नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीधी बस हादसे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस ने बेपरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए घटिया सड़क के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीधी जिले में जो बस दुर्घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और उसमें पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की गलती है। मध्य प्रदेश सरकार अगर शिक्षित बेरोजगारों की जो एग्जाम्स स्टाफनर्स का ज्ञापन द्वारा आयोजित था, अगर वो परीक्षा सेंटर जिला मुख्यालयों में होता तो शायद जो हमारे निर्दोष जो शिक्षित बेरोजगार सतना जिले में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, शायद उनकी मृत्यु नहीं होती और इतने बच्चे एक 32 सीटर बस में भर के भी नहीं जाते। और ये 12 तारीख से 17 तारीख तक एक ही परीक्षा 5 दिन चली है, अलग अलग डेट में अलग अलग लोग जाकर वहाँ पे परीक्षा दिए हैं। ये सरकार की अदूरदर्शिता है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस तरह की घटना घटी है। इसमें सरकार जवाब देने से बचने की कोशिश कर रही है। मेरा स्थगन प्रस्ताव लगा था और उसमें चर्चा अभी चल रही है सदन के अंदर, तो हमने मांग की है। आप लोगों के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि सरकार दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो क्या जिला मुख्यालय में ये परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती थी? इसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है, संबंधित विभाग के मंत्री दोषी है। क्यों इस तरह का निर्णय लिया? और उदासीन भरा वो स्थगन था। आधा दर्जन से अधिक सदस्य जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था वो सदन में मौजूद नहीं थे, जो इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि वो कितने गंभीर थे इस गंभीर घटना को लेकर। इतनी गंभीर घटना को लेकर जो बचे थे वो पुनरावृत्ति करते रहे। हम उम्मीद करते थे कि कुछ नए तथ्य आएंगे। जो तथ्य अभी तक आप लोगों के द्वारा, खासकर मीडिया के द्वारा ध्यान में नहीं लगाए गए, लाए गए या छूट गए हैं, तो हमने देखा कि जो विषय आप लोगों ने ध्यान में लाए थे उन्हीं पर सबका पुनरावृत्ति हो रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।